नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट आज लेके आए हैं। एक किसी ने रिक्वेस्ट की थी हमसे, कमेंट करके बताया था कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, अर्थराइटिस का उन्होंने बोला था, तो अर्थराइटिस का एक टॉपिक है प्लस और भी उसके सारे बेनिफिट जो में हम आपको है वो बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा आज का पॉइंट है UB27 यानी कि यूरिन बेडर का 27 नंबर पॉइंट। तो पहले हम उसकी लोकेशन जानते हैं, फिर उसके बेनिफिट्स जानेंगे कि उसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा हमारा ये क्लासिकल एक्यूप्रेशर का मेरिडियन चार्ट है, जिसमें जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में काफी वीडियोस में दिया है और इसी में मिलेगा, वो आपको मिलेगा क्लासिकल एक्यूप्रेशर यांग लोअर बॉडी मेरिडियन। ठीक है, यानी कि लोअर बॉडी का मेरिडियन यांग साइड का। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें जो आपका UB27 है वो कहाँ पड़ेगा। ये हमारा जो बेल्ट एरिया है उससे नीचे हिप्स पे पड़ेगा, ये UB27 यहाँ पे, ये वाला UB27। ठीक है, चार्ट्स में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद में अगर सुजुक थेरेपी की बात करें तो सुजुक थेरेपी में कहाँ होगा उसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है UB27 सुजुक थेरेपी में। तो ये हो गया, अब हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो जानेंगे विस्तार से। तो पहले इसके फायदे हम बताते हैं। तो एक तो जैसे मैंने बताया अर्थराइटिस के अंदर किसी को प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस में आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा अगर किसी को भी ज्यादा प्यास जैसे लगती है, एक्सिस थ्रस्ट हो जाता है, ज्यादा प्यास जब लगती है तो जैसे गला सूखा रहता है, ज्यादा प्यास लगती है, पानी नहीं पी पाते जैसे कई बार, तो ये क्या है, ये पॉइंट उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये बॉडी में हमारे 5 एलिमेंट है, तो ये पॉइंट जो है नॉर्मल बॉडी में पानी की कमी को आपके दूर करेगा इस पॉइंट को जो आप लेंगे। तीसरा, अगर किसी को भी एब्डोमेन पेन है, पेट में दर्द जैसे होता है किसी को, पूरे एब्डोमेन में, चाहे लोअर में हो, अपर एब्डोमेन में हो, वहां किसी को कोई भी पेन है गैस्ट्रिक की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से, जो भी प्रॉब्लम है उस पेन को ये दूर करेगा। ठीक है, 3 इसके बेनिफिट है। अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, चाहे क्लासिकल एक्यूप्रेशर हो उसमें, जैसे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में आपका ये पॉइंट है, तो चाहे आप इस तरह की रबड़ जिम लेंगे, ऐसे UB27 पॉइंट को 15 से 20 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ। अब सुजुक थेरेपी में आप क्या करेंगे, इस तरह की जो हम प्रोब रखते हैं उस प्रोब को आप UB27 पॉइंट पे लेंगे और 15 से 20 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं हम, जिसे हमने पॉइंट किया 15 से 20 सेकंड के लिए, तो ये आप चाहे क्लासिकल एक्यूप्रेशर या सुजुक में हर 1 घंटे या 2 घंटे में आप इसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब दिन में आप इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। आप चाहते हैं कि हमें और इसका बेनिफिट लेना है, तो जैसे हम लोग स्टार मैग्नेट रखते हैं या फिर मेथी दाना भी यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, इस तरह की पेपर टेप लेंगे, पेपर टेप में हम थोड़ी पेपर टेप लेंगे, उसके बाद में या तो आप स्टार मैग्नेट, जिन लोगों के पास स्टार मैग्नेट है वो यूज स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है, इस तरह की होती है, जिन लोगों के पास नहीं है वो मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। मेथी दाना भी हम बताते हैं, मेथी दाना कैसे यूज करना है। जैसे ये मेथी दाना लगा दिया, उसके बाद में हम ये UB27 नंबर पॉइंट पे जो थेरेपी में लगा देंगे। ठीक है, अब बात करें क्लासिकल एक्यूप्रेशर की, तो इसमें आप ये सब कोई चना दाना या मेथी दाना स्टार मैग्नेट, वहां कितना मसल्स है या वहां पे हड्डी है, जहां ज्यादा मसल्स है वहां आप चना दाना भी लगा सकते हो, लेकिन जहां पे जिनको ज्यादा मतलब मास नहीं है, क्योंकि अगर मोटा दाना लगाएंगे तो चुभेगा, तो वहां पे आप मेथी दाना लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, और जहां पे लगता है कि हाँ वहां पे मसल एरिया ज्यादा है तो वहां पे चना लग सकता है, वो चुभेगा नहीं भी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पॉइंट रात को लगा देंगे, सुबह निकाल देंगे, तो जब ये डेली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम वीडियोज आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाएंगे, इससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।